आवाज आ रही आपको आज हमने बैक्टीरिया जो है वो स्टार्ट करना है क्योंकि आपका जो वायरसेस वाला है वो कंप्लीट हो गया राइट yes. Okay. आप ने इस तरह से करना है जो आपका वायरसेस वाला कंप्लीट हो गया है वो आपने उसको फुल प्रिपेयर करके आना है वो आपका टेस्ट होगा अह रिटर्न और जुबानी टेस्ट होगा ठीक है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन okay. है वो भी साथ-साथ हो जाए ओके <clears throat> okay. तमाम स्टूडेंट्स को वॉइस yes, आ रही है यस मैम आ रही है ओके बच्चे तो नहीं अब आपको पता है ना मैंने आपको ड्यूरिंग क्लास में भी बता दिया था कि आपने क्या क्या करना है और कैसे कैसे कर रहे हैं कैसे आपने डायग्राम बनानी है कैसे आपने वो फ्लो चार्ट बनाना है कैसे आपको उसके सिम्टम और डीएनए और आरएनए पता होना चाहिए आपको स्ट्रक्चर पता हो ठीक है तो वो आपने कोशिश करनी है कि उसको सारे को देखें आपके पास आज का दिन होगा और आपके पास कल का होगा और अब आप जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वेनसडे वाला दिन आपके साथ है मेरी तो आपने कोशिश करनी है कि उसको प्रिपेयर करके आए और आपका टेस्ट हो और आपकी तैयारी हो जाए ठीक है तो और फिर उसी दिन जो आपका बैक्टीरिया का जो बाकी का पोर्शन रह जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे ठीक है कर लेंगे ज्यादा तो नहीं है नो मैम हो जाएगा ठीक है अगर आधा चैप्टर करना है तो वो बता दें डिस्कस कर लें तो वो आधा कर लेंगे लेकिन अच्छे से तैयार करना है ताकि आपको पेपर में दोबारा जरूरत ना पड़े हाफ ठीक है मैम हाफ कर लेते हैं ठीक है इस तरह से फिर आपने करना है कि जो साइकिल है वहां तक आपने करना है एनिमल जो डिजीजेस हैं वायरल डिजीजेस हैं उससे पहले तक ओके मैम ठीक है और आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन होगा इस तरह से आपके शॉर्ट होंगे तो आपने उसको ऐसे ही प्रिपेयर करना है ताकि मैं देखूँ आप लोगों को समझ आई है कुछ और फिर इन आपके एक लेक्चर में आपका टेस्ट होगा और उसके बाद फिर चेकिंग भी वहीं पर हो जाएगी और उसके बाद फिर आपका जो बैक्टीरिया का हमारा पोर्शन रह जाएगा हम वो डिस्कस करेंगे अब हम स्टार्ट करते हैं काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन कर भी लिया और काफी रहते हैं वो साथ साथ ज्वाइन कर लेंगे और फिर हम साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं ये वायरस का आपका कनेक्ट नहीं हो रहा पहले आपका कनेक्ट हो तो गया था बच्चे आप सबके पास नोट्स अवेलेबल हैं वायरसेस के तमाम बच्चा ये जिसका माइक ऑन है माइक ऑफ कर ले अपना ओके बच्चे स्टार्ट करते हैं अगर आप में किसी को कोई इशू हो तो आपने चैट में मैसेज कर देना और क्योंकि अभी मैंने आपको म्यूट कर दिया कि दूसरे स्टूडेंट्स की वॉइस की वजह से डिस्टरबेंस हो रही थी नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जी मोइज बच्चे जी मोइज आपने हैंड रेस किया है क्या इशू है मैम कोई इशू नहीं है बस मैंने सुन लिया है प्रेजेंट क्यों हो गए okay. इसलिए ओके ये वीडियो बंद कर लें जुहा फातिमा बच्चे अपनी वीडियो बंद कर लें चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया का बैक्टीरिया का जैसे हमें पता है कि ये आपके पास प्रोकैरियोट होते हैं और प्रोकैरियोट में हमारे पास जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता ठीक है और बैक्टीरिया आपके पास जो है वो यूनिसेल्युलर होते हैं और यूनिसेलुलर होने के साथ साथ हम इसमें यह देखते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो क्रोमेटन की फॉर्म में होता है क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं होता और इसके अलावा इसमें अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं लाइक राइबोसोम्स ग्रेन्यूल एटसेट्रा ठीक है जब आप प्रोकैरियोट के डायमीटर की बात करते हैं मोस्टली जो प्रोकैरियोट होते हैं उनका जो डायमीटर होता है वो वन से लेके फाइव माइक्रोमीटर तक होता है और जो बैक्टीरियल जो सेल होता है और उसकी कम्पोजिशन किस किस चीज से मिलके बनी होती है उसमें आपके पास सेल uh, इन्वेल्प होता है सेल वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन होती है इसके अलावा इनको हम सबको करेंगे uh, ये आपके पास सेल सरफेस है या इसको आप अः uh, इनवेलप का भी नाम देते हैं जो कि आपके पास डिपेंड होती है सेल uh, वॉल पे सेल वॉल का हमें पता है कि ये सेल वॉल से जो नीचे है वो आपके पास सेल मेम्ब्रेन होगी और uh, और जो आउटर वॉल होती है उसको हम सेल वॉल का नाम देते हैं ये आपके पास प्लांट्स में और uh, जो एनिमल्स हैं उनमें मौजूद नहीं होती इसके अलावा जो बैक्टीरिया या साइनो बैक्टेरिया है उसमें ये देखने को मिलती है और बेसिकली इसका पर्पज ये होता है सेल वॉल का कि ये जो ऑस्मोटिक लाइसिस होती है उससे बचाती है और इसके अलावा सेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और जो सेल वॉल होती है जो मोस्टली तौर पर बैक्टीरिया uh, जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं वो इसी सेल वॉल की वजह से कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा एंटी बायोटिक जो पेंसिलीन होती है वो बेसिकली बैक्टीरिया uh, में जो है वो किलिंग पर्पज़ के लिए यूज होती है और उसका जो इनिशियल स्टेप होता है कि वो पैप्टाइडोग्लाइकिन की सेंसेस में हेल्प करती है ठीक है नेक्स्ट आपके पास है सेल वॉल की कंपोजिशन इसमें हम देखते हैं कि जो कंपोजिशन में आपके पास माइक्रोमोलिक्यूल होता है जिसको आप पैप्टाइडोग्लाइकिन का नाम देते हैं ये डिफरेंट बैक्टीरिया में इसकी डिफरेंट अमाउंट होती है और इसके साथ साथ आप इसमें ये भी देखते हैं इसमें आप ये भी देखते हैं कि ये जो पेप्टाइडोग्लाइकिन होती है इसमें जो ग्लाइकन होता है वो मिलके एक दूसरे से फॉर एग्जाम्पल दस मॉलिक्यूल्स या फिर आपके पास बीस वो मिलके एक चेन बनाएंगे और उस चेन को जो है वो हम पेप्टाइडोग्लाइकन का नाम देते हैं और उसमें जो है वो जो चेन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ग्लाइकन होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और उसमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड होता है और इस तरह से वो जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट होते हैं वो उसको अटैच करता है ठीक है दूसरा आपके पास है जो सेल वॉल होती है उसमें आपके पास शुगर के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं और उसके साथ साथ फिर आपके पास अः टी एसिड और लिपो हैं है हैं ये तमाम मॉलिक्यूल्स आपके पास मौजूद होते हैं सेल वॉल में और ये सारे एक के साथ कनेक्टेड करके पेप्टाइडोग की कम्पोजिशन में हेल्प करते हैं इसके अलावा आपके पास जो है वो टू बैक्टीरिया होते हैं एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया उसे क्यों कहते हैं और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती और उसमें आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है माइक्रोप्लाजमा की ठीक है और दूसरा आपके पास है आर्ची बैक्टेरिया आर्ची बैक्टीरिया जो है वो यू बैक्टेरिया से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं अगर आप कहें कि हमारे पास सबसे पहले कौन से बैक्टेरिया पाए गए तो उसमें हमारे पास सबसे पहले जमीन पे आर्ची बैक्टीरिया गए और आर्ची बैक्टेरिया में हमें पता है कि जो सेलवॉल की कंपोजिशन होती है उसमें पेप्राइडो मौजूद नहीं होता बल्कि उसमें जो है वो प्रोटीन्स ग्लाइको और पोलीसेक्राइड्स मौजूद होते हैं ठीक है और ये आपके पास जो है ये ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इस टेक्निक को सबसे पहले जो क्रिस्टियन ग्राम थे उन्होंने डिस्कवर किया और इसी के बिना पे इसको जो है वो आ, ग्राम क्रिस्टियन ग्राम uh, और ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का नाम दिया गया ठीक है इसमें आपके पास जो क्रिस्टियल वॉयलेट डाई होती है जिसको आप प्राइमरी डाई कहते हैं और उसके इन रिस्पॉन्स में पर्पल कलर होता है और इसके अलावा रेड डाई होती है जिसको आप सफरन इन या फिर का भी नाम देते हैं जिसको आप स्केंडरी डाई का नाम देते हैं ये दोनों जो डाई है वो यूज होती है जो हमें बताएंगी और हम इसमें देखते हैं कि वो किस तरह से आपके पास जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बनेंगे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बनेंगे इसमें ये आपके पास थ्री स्टेप्स होते हैं सबसे पहले आप जो जो भी आपके पास बैक्टीरिया मौजूद होंगे उस पर आप सबसे पहले क्रिस्टल वॉलेट जो डाई होती है वो अप्लाई करेंगे बच्चे किसे आवाज नहीं आ रही जिसको आवाज नहीं आ रही आप अपना जो कनेक्शन है उसको देख लें शायद आपका कनेक्शन का इशू ना हो या फिर आप क्लास को रिज्वाइन करें ठीक है बाकी स्टूडेंट्स को वॉइस आ रही है आपका नेट का इशू होगा आप अपनी क्लास जो है वो रिजॉइन करें ठीक है क्रिस्टल वायलेट जो डाई है सबसे पहले हम उसे अप्लाई करेंगे जिसको हम प्राइमरी डाई का भी नाम देते हैं और सेकंड नंबर पे फिर उसमें जो है वो आयोडीन ऐड की जाएगी जो कि बेसिकली एक मॉडर्न के तौर पे यूज़ होगी और थर्ड नंबर पे उसको जो है वो अल्कोहल से वॉश किया जाएगा ताकि जो कलर इसमें आपके पास क्रिस्टल वॉयलेट की वजह से या आयोडीन की वजह से आपके पास बने थे वो अल्कोहल अप्लाई करने की वजह से वो डी कलराइज हो जाएंगे और लास्ट में फिर आप उसके सेफ्रानिन अप्लाई करते हैं तो बेसिकली ये आपके पास एक काउंटर स्टेनिंग होती है जो आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में बैक्टीरिया में डिफरेंस जी बच्चे और शीन बच्चे नशीन आपका हैंड रेस क्यों है मैम गलती से हो गया होगा उनसे चलें ये आपके पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ठीक है ठीके? और उनकी उन्होंने जो सेल बॉल होती है उसमें कंपोजिशन में डिफरेंस बताया हुआ है मोहम्मद शेब साइलेंट कर लें बच्चे म्यूट लगा लें ठीक है ये आपके पास डिफरेंट जो सेल वॉल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकिन का बताया गया है कि उसकी अमाउंट और नम्... जो तादाद होती है वो आपके पास कितना उसका कंटेंट मौजूद होगा और उसके अलावा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है और इसके अलावा लिपोटीजो एसिक एसिड है जिसमें आपके पास डिफरेंट जो लिपोटीजो एसिक एसिड की परसेंटेज पाई जाएगी ठीक है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंट होती है ठीक है ये जो मैंने आपको बताया है ये इसमें ये सारा लिखा हुआ है ये आपने इसको रीड कर लेना है और ये कुछ डिफरेंसेस हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जिसमें एक आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकिन है ठीक है और वो उसमें बताया हुआ है कि आपके पास ग्राम पॉजिटिव में मौजूद होती है और ग्राम नेगेटिव में जो है वो आपके पास एक इनर रिजिड वॉल स्ट्रक्चर होता है और एक आउटर रिजिड वॉल स्ट्रक्चर होता है जो इनर रिजिड होगा उसमें वो मौजूद होगी लेकिन जो आउटर वॉल लेयर होती है स्ट्रक्चर होता है उसमें ये मौजूद नहीं होगी सेम इसी तरह से टी चॉइसिक एसिड जो है वो उसमें ग्राम पॉजिटिव में बैक्टीरिया में मौजूद होता है लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो उसकी इनर और आउटर दोनों वॉल में मौजूद नहीं होता और जो पोलिसक्राइड है वो ग्राम पॉजिटिव में भी मौजूद होता है और उसके साथ साथ जो आपके पास ग्राम नेगेटिव है उसमें मौजूद नहीं होता उसकी आउटर और इनर दोनों में मौजूद नहीं होगा और जो आपके पास प्रोटीन है वो प्रोटीन ग्राम पॉजिटिव और जो बैक्टीरिया है उसमें मौजूद हो सकती है और नहीं भी हो सकती लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें प्रोटीन जो है वो इनर साइड में मौजूद नहीं होगी लेकिन जो आउटर वॉल होगी उसमें मौजूद होगी ठीक है सेम इसी तरह से जो लिपो है वो आपके पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होगी लेकिन जो आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की इनर है इनर में जो है वो आपके पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती लेकिन जो आउटर वॉल है उसमें लाजमी होगी सेम इसी तरह से जो लिपोपोलीसेक्राइड है वो आपके पास जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें मौजूद नहीं होगा लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो आपके पास उसमें भी मौजूद नहीं होगा इनर और आउटर दोनों में प्रेजेंट नहीं होगा बच्चे समझ आ रही है आप लोगों को जी जी मैम ओके ठीक है 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 नेक्स्ट आपके पास कैप्सूल कैप्सूल जो है वो बेसिकली जो uh, होती है उसके आउटसाइड मौजूद होता है सेम इसी तरह से जैसे अगर आप कैप्सूल की पैकिंग देखें मेडिसिन में तो वो भी उसको आउटरली कवर कर रहा होता है जो उसके अंदर मटेरियल होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है जो आउटर इन्वायरमेंट है उससे और सेम इसी तरह से यहाँ पे भी कैप्सूल का यही वर्क होता है और इसमें जो है वो पोलिसक्राइड और प्रोटीन के जो वो रिपीटिंग यूनिट्स मौजूद होते हैं वो एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद फिर जो है वो पहला और तीसरा जिस तरह से ये एक आपके पास यूनिट टाइप बन जाता है जो कि कैप्सूल का स्ट्रक्चर बना रहा होता है कैप्सूल जो है वो सेल वॉल के साथ टाइटली बाउंड होता है और इसकी जो नेचर होती है वो थिक होती है और गमी नेचर होती है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है वो इन होता है इस कैप्सूल के अंदर और ये जो कैप्सूल होता है बेसिकली ये आपका जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये दोनों में मौजूद होता है इसके अलावा कैप्सूल की आपके पास फोर्टीन डिफरेंट टाइप्स है जो कि बैक्टीरिया में देखने को मिलती है और इस जो कैप्सूल बैक्टीरिया में मौजूद होता है सेलवॉल के हम उसके फंक्शन क्या क्या है बेसिकली बैक्टीरिया के एक तो वो आउटर जो सबस्ट्रेट होता है ये उसके साथ अटैच होता है और इस तरह से बैक्टीरिया को हेल्प करता है दूसरे के साथ अटैच होने में और साथ साथ जो है वो कॉलोनीज बनाने में इसके अलावा जो कैप्सूल uh, है वो वेर्यूलेंस में भी जो है वो अपना रोल प्ले करता है ताकि फेगोसाइटोसिस हो गया उसको प्रिवेंट करेगा और प्रिवेंट करने के साथ साथ uh, जो बैक्टीरिया की एबिलिटी होती है वो उसको एनहांस करेगा ताकि uh, कोई डिजीज है पैथजेनिस्टी है उससे uh, उसको प्रोटेक्ट करेगा जो कैप्सूल है वो जो इनगल्फ करने की एबिलिटी होती है उसको निगलने की एबिलिटी होती है यूकेरियोटिक सेल या फिर लाइक like माइक्रोफेजिस तो ये उसमें भी जो है वो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है इसके अलावा जो कैप्सूल है बेसिकली ये एंटीबॉडी की तरह एक स्पेसिफिक होता है जो कि उसको फेगोसाइटोसिस में हेल्प देगा अच्छा ये आप लोग इतनी लेट ज्वाइन क्यों कर रहे हैं इस तरह से तो आपको दरमियान से समझ नहीं आएगी इसलिए मैंने आपको पांच मिनट पहले मैसेज किया था ताकि आप लोग प्रिप्योर हो जाए ठीक है नेक्स्ट आपके पास आ कैप्सूल का बेसिकली हमारे पास ये होता है कि ये कुछ में तो ये इम्यूनिटी में हेल्प देता है लेकिन कुछ जो ऐसे होते हैं बैक्टीरिया उनमें ये इम्यूनिटी में हेल्प नहीं करता उसमें आपको जो है वो रिजल्ट जो है वो शो नहीं होते और कुछ में बैक्टीरिया बेसिकली जो है ये एक्सक्लूड करते हैं एक कैप्सूल जो है वो बेसिकली बैक्टीरियल जो वायरसेस होते हैं उसको रिमूव कर रहे होते हैं और जो हाइड्रोफोबिक उसके टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं और इसमें लाइक डिटर्जेंट्स जो कि टॉक्सिक होता है उसके लिए ये उसको एक्सक्लूड कर रहे होते हैं इसके अलावा आपके पास स्लाइम है स्लाइम को अगर आप देखें तो स्लाइम जो है वो लूजली स्ट्रक्चर होता है और ये आपके पास जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं सोलबल फॉर्म में आ, उसको जो है वो स्लाइम का नेम दिया जाता है ये आपके पास अनऑर्गेनाइज्ड लेयर होती है एक्स्ट्रा सेलुलर मेटीरियल की जो कि बैक्टीरियल सेल को सराउंड करती है और ये आपके पास मोस्टली तौर पे जो एक्जोपोलीसेक्राइड्स होते हैं या ग्लाइको होते हैं या ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ये उससे मिलके बनना होता है जैसे अगर आप ग्लाइको या ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें तो ये आपके पास कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट जिसको आप ग्लूकोज का ग्लाइकोजन स्टार्च का नेम देते हैं और दूसरी तरफ आपके पास जो प्रोटीन्स हैं ये दोनों मिलके जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स या फिर आपके पास जो है वो ग्लाइक कार्बोहाइड्रेट्स uh, और लिपिड्स जो है ये मिलके कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके अलावा हमने ये पहले बात की कि हमारे पास जो स्लाइम होता है ये अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है और अनऑर्गेनाइज होने की वजह से आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं और दूसरा ये लूजली बाउंड होगा अगर आपके पास कोई भी चीज़ जो है वो टाइटली बाउंड होगी तो आपको रिमूव करना वो मुश्किल होगा ठीक है लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर कोई जो है वो लूजली बाउंड होगा तो आप उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं और इसके अलावा जो बैक्टीरियल स्लाइम होता है इसकी जो नेचर uh, होती है वो सिमिलर होती है स्लाइम के लेकिन इसमें जो डिफरेंस होता है वो ये होता है एक तो आपके पास जो कैप्सूल होता है वो टाइटली स्ट्रक्चर होता है स्लाइम आपके पास लूज स्ट्रक्चर होगा और दूसरा आपके पास जो है वो स्लाइम अनऑर्गेनाइज मटेरियल की और जो कैप्सूल है वो आपके पास स्ट्रक्चर होता है और थर्ड नंबर पे जो कैप्सूल होता है वो टाइटली बाउंड होता है इसलिए उसको इजीली रिमूव हम नहीं कर सकते लेकिन जो स्लाइम होता है वो आपके पास लूजली बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं ठीक है ये इसमें कैप्सूल में और उसके साथ साथ स्लाइम में डिफरेंस है इसके अलावा जो कैप्सूल होता है जिस मैंने आपको बताया कि एक वेल ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है और वो जो वॉशिंग वगैरह होती है बैक्टीरिया की तो वो उसमें रेजिस्टेंट होता है ठीक है और इसी रेजिस्टेंट होने की वजह से जो स्लाइम होता है वो हमारे हाँ, पास जो है वो रेजिस्टेंट नहीं होता इसके अलावा स्लाइम के बेसिकली क्या फंक्शन होते हैं अगर आप देखें तो इसकी फंक्शन में सबसे पहले ये जो बैक्टीरिया है उसको पैथोजेनिस्टी जो, वो जो है वो प्रोवाइड करेगा ताकि जो फेगोसाइटोसिस है ये उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सके और उसके बाद आप देखेंगे कि जो स्लाइम होता है बेसिकली ये अलाउ करता है बैक्टीरिया को जो स्मूथ सर्फेसिस होती हैं उसके साथ अटैच करने में इसके अलावा स्लाइम जो होता है वो केमिकल जो स्ट्रेलाइजेशन होती है ये उसको प्रोटेक्ट करता है और केमिकल स्टेटलाइजेशन किसके साथ होगी आयोडीन के साथ क्लोरीन के साथ और इसके अलावा अदर जो केमिकल्स होते हैं उनके साथ ठीक है नेक्स्ट आपके पास है फिम्बराई फिम्ब्रियाई में बेसिकली आपके पास जो है वो फाइन uh, फिलामेंट्स होते हैं प्रोटीन्स के और ये टू से लेकर टेन नैनोमीटर तक डाया होता है इनका और इसके अलावा कुछ माइक्रोमीटर जो है इनकी लेंथ होती है और इसके अलावा ये जो सरफेस होती है ये उसके ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बैक्टीरिया के और ये जो फाइन हीयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये उनसे रिजेंबल करते हैं अगर आप इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं फिम्ब्रियाई बेसिकली uh, जो है वो सॉलिड सर्विस के साथ या फिर जो अदर स्मूथ सर्फेसिज होती हैं उसके साथ अटैचमेंट में ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं और दूसरा ये फिम्ब्रियाई बेसिकली इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं के जो कुछ बैक्टीरियल जो पैथजेंस हैं उसकी वेरियुलस में ये हेल्प करते हैं ठीक है नेक्स्ट आपके पास है पिलाई आ, पिलाई जो है वो बेसिकली आपके पास होलो और नॉन हेलिकल फ्लैमेंटियस अपेंडिज होती हैं जो कि वॉल पे मौजूद होती हैं ठीक है और ये बिल्कुल सेम फ्लेजैला की तरह ही होते हैं जैसे हम फ्लेजैला की बात करते हैं कि उसको मूवमेंट में हेल्प देते हैं सेम इसी तरह से पिलाई भी मूवमेंट में हेल्प देंगे बट ये इनका साइज जो है वो स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू फ्लेजेला के ठीक है जैसे अगर आप हेयर देखें तो कुछ पर्सन uh, ऐसे होते हैं जिनमें हेयर लॉन्ग होंगे कुछ में शॉर्ट होंगे जो शॉर्ट होंगे उसको हम पिलाई का कहते हैं और जो लॉन्ग होते हैं उसको हम फ्लेजेला का कहते हैं ठीक है जो मूवमेंट में हेल्प देते हैं ये आपको एग्जाम्पल इसलिए बताइए ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए ठीक है इसमें जस्ट डिफरेंस लेंथ का है और जिसकी वजह से Uh, हम इसको ये कहते हैं कि ये मूवमेंट में भी हेल्प देते हैं और उसके साथ साथ ये जो फिल्मेंट्रिया स्ट्रक्चर होता है वो बना रहे होते हैं बैक्टीरिया का और उसके अलावा जो ट्रू पिलाए होते हैं वो आपको जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं इसके अलावा जो फॉल्स पिलाए होते हैं वो आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी मिलेंगे और ये बेसिकली पिलाए स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जिसको पेलिन का नाम दिया जाता है और पिलाए बेसिकली जो है वो लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते ये आपके पास हेल्प करते हैं कॉन्जुगेशन में अगर आपका फ्लेजेला और पिलाई के बारे में डिफरेंस हो अगर आप उसको दो या तीन लाइन में <laughs> लाइन में या फिर आप उसको टू मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखें तो सबसे पहले एक आप लिखेंगे कि ये होलो और नॉन हेलिकल फ्लेमेंटियस अपेंडिजिस होते हैं और सेकेंड नंबर पे ये आपके पास जो है वो पिलाई लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते बल्कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं और थर्ड पे पिलाई जो है वो स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू फ्लेजेला के ठीक है और ये जो कॉन्जुगेशन ये है आपके पास एक, एक बैक्टीरिया में शिफ्ट हो जाता है थीके? इसके अलावा जो पिलाए होते हैं वो अटैचमेंट में बैक्टीरिया के हेल्प करते हैं कि एक बैक्टीरिया जो है वो दूसरे बैक्टीरिया के साथ या अदर ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच हो जाता है तो वो अपने पिलाए की मदद से अटैच हो सकता है बच्चे वॉइस आ रही है आप लोगों को ओके okay. नेक्स्ट uh, इसमें हम फ्लेजेला डिस्कस करेंगे फ्लेजेला का देखेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि फ्लेजेला में आपके पास कौन कौन सी टाइप्स मौजूद होती हैं इसमें सबसे पहले जो फ्लेजेला है बेसिकली ये थिन हेयर लाइक अपेंडिजेस होती हैं जो कि आपकी जो बेसल बॉडी होती है मेन बॉडी होती, होती है उससे ये अराइज करती हैं और इस तरह से ये सेल वॉल से बाहर जो है आ, आ जाएंगी आउटर इन्वायरमेंट में और जो बेसल बॉडीज होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं सेल मेम्ब्रेन के नीचे अगर आप सेल वॉल की बात करें सेल वॉल से नीचे जो है वो आपके पास सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन से नीचे जो है वो आपके पास बेसल बॉडी होती है जो कि साइटोप्लाज्म में पाई जाती है और इसमें ये जो फ्लेजेला होते हैं बेसिकली ये आपके पास ट्वेंटी प्रोटीन्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के उनसे मिलकर बने होते हैं और इसमें जो थर्टी प्रोटीन्स होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं रेगुलेशन के लिए और असेंबली के लिए ठीक है और इसमें जो प्रोटीन होती है वो फ्लैजेनिक प्रोटीन होती है फ्लेजन वही जो है वो आपके पास फ्लेजेला को मूवमेंट में हेल्प देती है और कुछ हमने इसमें बैक्टीरियल की शेप्स भी आगे पढ़ेंगे जो कि हमारे पास स्पायरल है बेसिलाई है या कोकाई शेप्ड होते हैं ये उनमें देखने को मिलते हैं जो आपके पास बेसिलाई और स्पायरल शेप बैक्टीरिया होते हैं उसमें फ्लेजेला ज्यादा तादाद में होते हैं एज कम्पेयर टू कोकाई के कोकाई की जब आप बात करते हैं तो उसमें आपके पास फ्लेजेला कम नंबर में मौजूद होते हैं इसके अलावा फ्लेजेला प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मौजूद होते हैं लेकिन दोनों की कंपोजिशन में डिफरेंस होता है और दोनों का मकसद ये है कि वो उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं ठीक है प्रोकैरियोट में जो फ्लेजेला होते हैं बेसिकली वो वन टेंथ विड्थ होती है उनकी एज कम्पेयर टू यूकैरियोट के और फ्लेजेला जो है वो डिफरेंट टेक्सोनमिक ग्रुप में क्लासिफाई की जाते हैं उनके अटैचमेंट की बेसिस पे कि फ्लेजेला का नंबर कितना है और वो किस पोजीशन पे अटैच है ठीक है जैसे ये भी हम इसमें एग्जाम्पल में देखेंगे ये आपके पास डिफरेंट जो है वो क्लासिफिकेशन है फ्लेजेला की जिसकी बेसिस पे कि फ्लेजेला राइट साइड पर अटैच होंगे या लेफ्ट साइड पे और उसमें कितने नंबर में अटैच होंगे जो ए ट्राइकस आपके पास बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उसमें बेसिकली जो फ्लेजेला होता है वो नहीं होता ठीक है वो एबसेंस होगा और उस वजह से हम उसको ए ट्राइकस कहते हैं और मोनोट्राइकस का मतलब ये है कि जस्ट सिंगल uh, uh, जो है वो पोलर फ्लेजेलम uh, एक साइड पे मौजूद होगा लाइक इस तरह से जो ए डायग्राम आपके पास हो रही है और इसके अलावा जो लोफोट्राइकस होता है इसमें टफ्ट फ्लेजेला होता है जो कि जस्ट एक साइड पे मौजूद होता है बैक्टीरिया की ठीक है जैसे आपको ये सी पोर्शन में श्योर है और जो एम्फी होता है इसमें टफ्ट ऑफ फ्लेजेला होता है और वो आपके दोनों पोल्स पे बैक्टीरिया के मौजूद होता है ठीक है और ये आपके पास यहाँ पे यहाँ पे ये यह सिंगल दिखाया गया है लेकिन यहाँ पे ये यह सिंगल नहीं है यहाँ पे ये यह टफ्ट होता है सेम इस तरह का गुच्छा और लास्ट में आपके पास है पेरिट्राइकस और पेरिट्राइकस ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसमें फ्लेजेला जो है वो उसकी सरफेस के हर साइड पे मौजूद होता है ठीक है और यहाँ पे आपके पास बैक्टीरियल का स्ट्रक्चर है ये हमारे पास जो है ये बैक्टीरिया का ओवरऑल स्ट्रक्चर है और ये आपके पास फ्ले जेलम मौजूद है जो कि सेल वॉल के आउटसाइड पे है ठीक है और इन साइड जो है ये आपके पास साइटोप्लाज्म है और सेल वॉल्स ये जो ब्लैक कलर के और उसके डाउनवर्ड जो है वो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी नाम देते हैं इसके अलावा जो आउटर कवरिंग है सेल वॉल के उसको जो है वो कैप्सूल का नाम दिया गया इसके अलावा यहाँ पे आपको ये जो फाइन जो है वो हेयर स्ट्रक्चर जो है वो स्मॉल लेंथ में एज शो हो रहे हैं ये आपके पास पिलाए हैं और ये जो है ये आपके पास न्यूक्इड होता है डीएनए है क्रोमेटर मटेरियल मौजूद है ये आपके पास राइबोसोम्स होते हैं ठीक है जो कि प्रोटीन एज ए फैक्ट्री जो है यहाँ पे वर्क कर रहा होता है ये साइटोप्लाज्म है जिसमें आपके पास मेम्ब्रेन ऑर्गेनालिज मौजूद होते हैं ठीक है ये आपके पास एक सिंपल जो बैक्टीरियल सेल होता है ये उसका स्ट्रक्चर और ये प्लाजमिन है जो कि एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होते हैं जो कि जेनेटिक में हेल्प करते हैं नेक्स्ट uh, ये हमारे पास है बैक्टीरियल uh, की जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है कि इंटरनल एनाटॉमी क्या क्या है अंदर उसके क्या क्या मौजूद है तो वो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है इसमें एक सेल मेंब्रेन है जो कि सेल वॉल से नीचे होती है जो मैंने अभी आपको दिखाई भी और बताया भी और ये साइटो को सराउंड करती है और इस साइटोप्लाज्म में बेसिकली आपके पास जो मेम्ब्रेन बाउंडेड uh, स्ट्रक्चर्स हैं वो मौजूद होते हैं ठीक है और इसमें यहाँ पे आपके पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की और प्रोटीन की बनी होती है और ये डेलिकेट नेचर होती है एज कम्पेयर टू सेल मेम्ब्रेन के इसके अलावा अगर जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें किसी भी तरह की इन्वायरमेंटल हैजर्ड की वजह से ये डैमेज हो रही होती है तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म के डेथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ठीक है ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी कंपोजिशन जो है वो प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में डिफरेंट होती है ठीक है अगर आप इसमें बात करें कि जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है तो इसमें स्ट्रोल जिसको कि कोलेस्ट्रोल का नाम दिया जाता है ठीक है वो आपके पास मौजूद नहीं होती उसकी ज्यादातर यहाँ पे आपको कमी देखने को मिलती है और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आपके पास एंजाइम कंटेन करती है और ये जो एंजाइम्स होते हैं बेसिकली ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म में इसके अलावा आपके पास मीजोजोम होते हैं मीजोजोम जो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ को इनविजीनेट कर जाती है उसको मीजोजोम का नाम देते हैं जो कि वेजिकल बनाते हैं और वेजिकल जो है वो एक सेल से दो सेल में डिवाइड करता है और इस तरह से रेप्लीकेशन होती है और ये बेसिकली रेस्परेटरी जो एनजाम होते हैं उसकी मदद से होता है ठीक है और यहाँ पे आपके पास फोटोसेंथेटिक मेम्ब्रेन होती है ये एक ट्यूबुलर और शीट लाइक मेम्ब्रेन होती है जो कि इन फोल्डिंग बनाती है जो फोटोसेंथेटिक बैक्टीरिया है ये उनमें मौजूद होती है और ये ज्यादातर जो फोल्डिंग्स होती हैं बेसिकली वो एंजाइम्स कंटेन करती हैं और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये फोटोसेंसिस के प्रोसेस में हेल्प देते हैं और फोटोसेंसिस होगा जहाँ पे लाइट पहुंच सकेगी जिसकी वजह से हम इनको फोटोसेंथेटिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं इसके अलावा आपके पास साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है और इस साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में या आप इसको सिंपल साइटोप्लाज्म का नेम दे लें वो एक ही बात है और इस साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में बेसिकली ये आपकी जो सेल होती है और ये जो न्यूक्लाइड होता है या न्यूक्लियर जो मटेरियल होता है उसके दरमियान में जो कुछ भी पाया जाता है उसको आप साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का नेम देते हैं और उसमें हमारे पास जो है वो राइबोसोम्स भी आ जाते हैं और इसके अलावा जो आपके पास अः ग्रेन्यूल्स है स्पोर्स हैं वो आपको अंदर की साइड पे साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं इसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है वो साइटोस्केलेटन्स जो है वो प्रोकैरियोटिक जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें मौजूद नहीं होता है इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है एक जेल लाइक -like मटेरियल होता है जेल लाइक -like स्ट्रक्चर होता है जैसे आप जेल को देखते हैं तो उसमें स्टिकी जो है वो ज्यादा होती है स्टिकनेस ठीक है दूसरा आपके पास जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है वो प्रोटोप्लाज्म का मेन पार्ट होता है मेजर पार्ट होता है क्योंकि वहीं पे ही आपके पास जो है वो क्रोमेट्रिक मटेरियल जिसको आप न्यूक्लियर बॉडी का भी नाम देते हैं राइबोसोम्स जबकि आपके पास सेवेंटी होते हैं इसके अलावा मिजोजोम्स ग्रेन्यूल्स और न्यूक्लियाल मौजूद होते हैं नेक्स्ट uh, आपके पास है माइक्रो कंपार्टमेंट्स माइक्रो कंपार्टमेंट्स में अगर आप बात करें तो वो आपके पास बेसिकली जो कार्बिसम लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो मौजूद होता है और इसमें आपके पास डिफरेंट जो है वो कंपार्टमेंट बैक्टीरिया की इनसाइड मौजूद होंगे जो कि पोलीहेड्रल प्रोटीन शेप के होते हैं और ये जो पोलीहेड्रल इसमें जो होते हैं वो लोकलाइज फॉर्म में मौजूद होते हैं जो कि जो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी मेटाबोलिज्म में बैक्टीरिया को हेल्प देते हैं इसके अलावा न्यूक्लाइड और प्लास्मिड है जैसे मैंने न्यूक्लाइड को आपको बताया कि वो जेनेटिक मटेरियल होता है बेसिकली डीएनए उसमें मौजूद होता है और ये जो डीएनए होता है ये सेंटर में मौजूद होगा और इसकी वजह से आपके पास जो रेप्लीकेशन है या जो डिवीजन होती है वो पॉसिबल होती है ठीक है इसके अलावा आपके पास अगर प्लास्मिट की बात करें तो प्लास्मिट में बेसिकली आपके पास सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद होता है और ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डरकुल डीएनए होता है बेसिकली ये बैक्टीरिया की ग्रोथ में और उसकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प देता है इसके अलावा प्लास्मिक जो है वो ड्रग और हैवी है और इस तरह से आप कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में भी यूज करते हैं हम कॉन्जुगेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे नेक्स्ट तो उसमें हम देखेंगे कि प्लास्मिक के थ्रू किस तरह से हम जेनेटिक मटीरियल को एक से दूसरे सेल में बैक्टीरिया के ट्रांसफर कर सकते हैं नेक्स्ट uh, आपके पास है राइबोसोम्स अगर आप राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स बेसिकली जो है वो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये लूजली अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और लूजली uh, अटैच होने के साथ साथ हम इनको ये भी कहते हैं कि यहाँ ये प्रोटीन की फैक्ट्रीज होती हैं यहाँ पे प्रोटीन्स बनती हैं जिनकी वजह से राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है इसके अलावा यहाँ पे राइबोसोम uh, जो है वो थाउजेंड्स की अमाउंट में जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं जो न्यूली हेल्दी ग्रोइंग सेल्स होते हैं वहां पे इनका नंबर टाइम टू टाइम इंक्रीज होता रहता है अगर आप बैक्टीरिया में बात करें राइबोसोम्स की तो वहाँ आपके पास सेवनटी एस मौजूद होता है और यू में आपके पास एटी एस मौजूद होता है इस तरह से जो प्रोकेर का राइबोसोम होता है वो स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू यू के ठीक है इसके अलावा आपके पास ग्रेन्यूल्स और स्टोरेज बॉडीज हैं अगर आप बैक्टीरिया की बात करें तो वो इन्वायरमेंट में हमारे पास रहते हैं और जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं उसमें न्यूट्रेंट की जो है वो शॉर्ट सप्लाई होती है और बैक्टीरिया मोस्टली तौर पे ट्राई uh, करते हैं खुद को जो इन्वा न्यूट्रेंट्स होते हैं उसको स्टोर करने में सेम इसी तरह से जैसे अगर हमारे पास uh, कोई हैजर्ड आ जाता है uh, या ड्यूरिंग फ्लड की सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हमारे हमें जैसे फूड की शॉर्टेज होने लगती है तो हम उस फूड को पहले से ही स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमें उस फूड की कमी ना हो ठीक है सेम इसी तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं जिसमें इनको पहले न्यूट्रंट जो है वो कम सप्लाई हो रहे होते हैं और जब इनके पास एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट अवेलेबल होते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि उसको स्टोर कर लें और ज्यादातर ये स्टोर करते हैं ग्लाइक्रोजन की फॉर्म में सल्फर और फॉस्फेट की फॉर्म में ठीक है इसके अलावा सेल जो है बैक्टीरियल सेल है उसमें वेस्ट मटेरियल भी होता है और वो वेस्ट मटेरियल किसी काम का नहीं होता जो कि बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है जो कॉमन वेस्ट मटेरियल ज्यादातर देखने को मिलता है बैक्टीरिया में वो आपके पास एल्कोहल लैक्टिक एसिड और एस्टिक एसिड है ठीक है ये लास्ट में आपके पास है स्पोर्स और और सिस्ट आ, और सिस्ट स्पोर बेसिकली ये आ, जब इनएक्टिव कंडीशन होती है या अनहेल्दी इन्वायरमेंट होता है तो उस दौरान में जो स्पोर्स होते हैं अपने गिर जो है वो थिक वॉल बना लेते हैं और इसका मकसद ये होता है कि अपने आपको इन्वायरमेंटल जो हैजर्ड होता है उससे बचा सके और इसके अलावा जो सेंट्रल कोर uh, होता है इनका डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट कर सके और या इनके सराउंड में जो है वो कॉटेक्स लेयर मौजूद होगी जो कि एक रिजिड कोट बना लेती है जो ओवरऑल स्पोर्स को प्रोटेक्ट करती है इसमें आपके पास एक एग्जो स्पोर्स है और एग्जो uh, स्पोर्स में आप देखते हैं कि वो आउटसाइड वेजिटेटिव सेल्स मौजूद होते हैं और एंडोस्पोर्स जो है वो बेसिकली जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो इनसाइड मौजूद होते हैं और इसकी एग्जाम्पल आपके पास बेसिलस है और ये जो स्पोर्स होते हैं बेसिकली ये जो लेटर स्टेजेस होते हैं ग्रोथ के ये तब प्रोड्यूस होते हैं और जैसे ही इन्वायमेंटल कंडीशन वो एडवर्स होती हैं या अनफेवरेबल होती हैं तो उस दौरान में ये अपने आप को जो है वो रेजिस्ट कर लेते हैं और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो ये जो है वो बाहर सेल से आ जाते हैं और इस तरह से ग्रो करते हैं कॉलोनीज की फॉर्म में सिंगुलर फॉर्म में सिस्ट भी आपके पास जो है वो डॉर्मेंट और थिक वॉल्ड वॉल्डिकेटिंग रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है और ये ज्यादातर आपको बैक्टीरिया uh, जैसे एजोबैक्टर होते हैं ये उनमें देखने को मिलते हैं ये डेवलप करते हैं अपने रिप्रोडक्शन uh, के दौरान में और इस तरह से जब सीटेबल uh, कंडीशन होती हैं तो उस दौरान में ये जर्मिनेट करते हैं और न्यू ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं और अगर हम सिस की बात करें तो ये हमारे पास हीट रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर्स नहीं होते एज कम्पेयर टू स्पोर्ट्स के वो आपके पास हीट रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं ठीक है ये बाकी आपकी आपकी हैं bacteria की इनको हम next lecture में during class, जब होगी इसको तब discuss करेंगे यहां तक आपको clear हो गया बच्चे बाकी के स्टूडेंट्स बच्चे अटेंडेंस स्टूडेंट्स की ले लें आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट और फिर क्लास के ग्रुप हो, हो गया ठीक हो गया मैम ये समझ आ गई क्या आप लोगों को yes, पर तो तो मैम तो वो जो मंडे को नेक्स्ट क्लास होगी नेक्स्ट वीक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा वो भी मैम पूरी थ्योरी करनी है शॉर्ट शॉर्ट करना है ये जो आपको बैक्टीरिया का पढ़ाया ना ये तो आपने पहले से पढ़ा भी हुआ है तो इसमें आपके पास जो मेन मेन होगा वो करना होगा बाकी जो तो वायरसेस वाला है वो मैंने आपको ड्यूरिंग क्लास बताया था कि आपने क्या करना है और क्या आपने नहीं करना और किस तरह से करना है ठीक है ठीक ठीक हो हो गया हो गया मैम जी ये जो बैक्टीरिया की फाइल है ये भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ ग्रुप में जिनके पास बुक्स है ठीक है और जिनके पास नहीं है आप इसका प्रिंट ले लीजिएगा और इसको रीड आउट कर लीजिएगा जिस दिन आपकी क्लास होगी इसको हम डिस्कस करेंगे Okay. और उस दिन oh, ये जो I'm आपका okay. बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होगा वो आपने ड्रा करना होगा और ये जो फ्लेजेला का होगा इसमें हमने ये जो डिफरेंट टाइप्स वगैरह हो होंगी वो हमने डिस्कस करनी होंगी और शेप्स उस दिन हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया की और साथ में जो थोड़ा बहुत कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है वो भी डिस्कस करेंगे सही हो गया सही ठीक है ओके बच्चे थैंक यू अब बाकी स्टूडेंट्स को समझ आ गई जहाँ पे आपको बच्चे मुश्किल हो आप वहां पे बता दें ठीक है हम उसको दोबारा से देख लेंगे बच्चे ड्राइंग नहीं करे ऊपर बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया एक दो स्टूडेंट्स की वॉइस आई है और बाकी स्टूडेंट्स students... जी हो गया ओके okay, आपने इसको रीड करना है और इसको हम ड्यूरिंग क्लास डिस्कस करेंगे ओके बच्चे ओके